अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कशफ हेल्थ एंड ब्यूटी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर पैक, जो हेयर पैक आपकी यूँ समझ लें कि आपकी हेयर की लाइफ को जो है ना मुकम्मल तौर पर चेंज करने वाला है। आज की इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई इवेंट आ रहा है, इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़ रहा है, इंस्टेंट चाहते हैं कि आपके हेयर जो है मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट, सिल्की और इसके अलावा शाइनी हो जाए, आपको कुछ भी अप्लाई ना करना पड़े, और इसके अलावा आपको चंद एक जी जो आपको जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रही है चंदे किचन की चीज़ों के साथ आप अपना हेयर पैक जो है रेडी कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है, और मज़ीद इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की होंगी, इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जो मेथड सेम यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन उनको वॉश करने का, लगाने का तरीका जो है ठीक तरीके से नहीं आ रहा होता, जो इंग्रेडिएंट भी सेम ही होते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसमें यही गलती होती है कि वो ठीक तरीके से इसको यूज़ नहीं कर रही होती, जो फॉलो कुछ टिप्स होती हैं उनको फॉलो नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा था। तो आज की इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, एक स्टेप को फॉलो करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हेयर जो है वो ग्लॉसी हो जाए, शाइनी, सिल्की और स्ट्रेट हो जाए, खासतौर पर जिन बच्चियों को स्ट्रेट होने का शौक है कि हमारे हेयर जो है वो स्ट्रेट भी लगे, अच्छे भी लगे और हमें स्ट्रेटनर यूज़ भी ना करना पड़े, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आपको चंदे किचन की चीज़ें जो नज़र आ रही हैं, जैसा कि मेरे पास यहाँ पर योगर्ट है, ये भी हर किचन में मौजूद होता है। एलोवेरा लीफ आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और आप मार्केट वाली जेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये प्लांट वाला एलोवेरा हो तो ये देखिए मैंने एक लीफ लेकर उससे ऊपर से कट कर लिया है। अब इसको मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी, इसके बाद हमें एक अदद एग चाहिए जो कि हर किचन में मौजूद होता है, नहीं भी होता तो ये आपको आराम से हर जगह से मिल जाएगा। एक लेमन चाहिए, और ये हेयर कैप्सूल जो है ये आपको चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके हेयर के लिए। अगर ये नहीं है तो आप विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो हेयर वाले कैप्सूल होते हैं वो यूज़ कर लें, उसका भी सेम ही इफ़ेक्ट मिलेगा। ये तीन एक चार चीज़ें जो है आपको किचन में से आराम से मिल जाएंगी, बाकी इनमें से अगर कोई चीज़ आप नहीं भी आपको मिल रही तो एक आध चीज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सेम सारी चीज़ें ही चाहिए, अगर आप अंडा और दही को ही फेंक कर अपने हेयर्स पर अप्लाई कर लेते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर तमाम चीज़ें चाहते हैं कि आपके हेयर जो स्ट्रेट भी हों, सिल्की भी हों, शाइनी भी हों, तो आपको ये तमाम चीज़ें जो है ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज़ की अपनी अपनी एक जो एक अपना वर्क करती हैं। तो आपने हर चीज़, अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं जैसे कि लेमन है तो आपके हेयर्स को शाइनी करने के लिए, और इसके अलावा ये एग है ये भी आपके हेयर्स में से जो है जो आपके हेयर दो मुँह हो जाते हैं, दही अंडा यूज़ करने से वो दो मुँह बाल ख़त्म हो जाते हैं। एलोवेरा आपके हेयर की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसके अलावा आपके हेयर को स्ट्रेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने हर चीज़ जो है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ सेम उसी तरीके से आपने इसको यूज़ करना है और बनाना है। यहाँ तक जिसको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें ताकि हम आगे बढ़ सकें, अपना जो है पैक वो रेडी कर सके, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक इजीली पहुंच सके, और आपको मज़ीद अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो फ्री में देखने को मिले। मज़ीद हमने इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है, मज़ीद हमने इसमें ऐड करनी है ये देखें मेरे पास मेयोनीज़ मौजूद है, आपने मायोनीज़ यूज़ करनी है। मायोनीज़ किसी भी कंपनी की हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन वो वेजिटेबल वाली जो मायोनीज़ है वो यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये सिंपल वाली जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये वाली मायोनीज़ आपने यूज़ करनी है, ये वाली मायोनीज़ आपने नहीं, ये आपके हेयर को स्ट्रेट करने के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करती है। और अगर किसी को किसी भी वजह से, वैसे तो ये हर जगह से ईजीली अवेल हो जाती है, और तकरीबन हर जिन घरों में बच्चे वगैरह होते हैं जो पैटी सैंडविच वगैरह के शौकीन होते हैं तो उन घरों में ये मायोनीज़ ज़रूर ही मौजूद होगी। अगर नहीं मौजूद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मायोनीज़ की जगह एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं, वो सॉरी बनाना ऐड कर सकते हैं, उसको मैश करके अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर दें, वो भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन मायोनीज़ का एक अपना काम है, अगर इसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब इसको बनाना किस तरीके से, आपने करना क्या है, आपने एलोवेरा का लीफ जो है वो इसको ब्लेंड कर लेना है, इसको यानी कि जेल जो है इसको ब्लेंड कर लेना है, अंडा, ये तमाम की तमाम चीज़ें एक मिक्सचर में डालकर आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेनी है। मायोनीज़ कितनी जाएगी वो भी आपको बताती हूँ, पहले इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँ।
ये देखिए मैंने जेल जो है एलोवेरा का इसमें निकाल लिया है। अब इसी के अंदर मैं दही और अंडा ऐड कर दूंगी। ये जो है जेल, इतना सा जेल जो है मुझे काफ़ी रहेगा मेरे हेयर्स के अकॉर्डिंग। अगर आपकी हेयर की लेंथ ज़्यादा है तो आप इसमें दो लीफ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे हेयर्स के लिए ये काफ़ी है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से तमाम की तमाम चीज़ें इसमें ऐड करके अच्छे तरीके से इसको एक पेस्ट सा बना लिया, एक लिक्विड सा, लिक्विड फॉर्म में ये आ गया। हर चीज़ अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, कोई जेल के पीसेस वगैरह कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं तमाम चीज़ें जो है इसमें ऐड कर दी हैं। इसके बाद हमने इसमें मेयोनीज ऐड करनी है। आपने ब्लेंडिंग के वक्त इसमें मेयोनीज ऐड नहीं करनी, आपने जब सारी चीज़ें ब्लेंड कर लेनी है अच्छे तरीके से तो इसमें हमने इसमें ऐड करनी है मेयोनीज। मेयोनीज आप ये देखें, मैं इसमें 3 जो है ना टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मेयोनीज के। आप हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग जो है ना अपनी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके हेयर की लेंथ ज़्यादा होती है तो ये मिक्सचर जो है आपके हेयर के लिए काफ़ी नहीं होता। इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप करके आपने हेयर के ऊपर अप्लाई कर लेना। अच्छा जी, अप्लाई करने का मेथड ये है कि आपने इसको अच्छे तरीके से, अगर आपने ऑयलिंग की हुई ऑलरेडी नाइट में, तो आपने क्या करना है, सुबह उठ के आपने इसको पैर को लगा लेना है, मतलब वॉश करने से पहले। आपने जब हेयर वॉश कर लिया है तो आपने इसको अच्छे तरीके से अपने हेयर के ऊपर अप्लाई कर लेना है। 2 घंटे इसको अच्छे तरीके से अप्लाई हो, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मिक्सचर जो है इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, ये आपके अच्छे तरीके से हेयर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में तो लग जाएगा। आपने इसको लगा कर 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने किसी भी अच्छे शैम्पू के साथ इसको वॉशअप कर लेना है। मैंने जो शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ, मैंने उसकी वीडियो जो अपलोड की हुई है, मैंने खुद होममेड शैम्पू जो है आमला रेठा सिकाकाई का, उसकी जो है कमाल का रिज़ल्ट है। उससे आपके हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और उसके अलावा आपके हेयर की तमाम प्रॉब्लम जो है दूर होती हैं। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर चेकआउट कर जाएगा। शैम्पू घर में बना के आप रख लें, 1 मंथ का ईजीली बन जाता है, बहुत ही कम कॉस्ट में। तो आपने वीडियो देखनी है तो लिंक मैं दे दूँगी, आप लोगों ने ज़रूर जाना है, शैम्पू बना के रख लें, वो यूज़ करें, उससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये पैक जो है आपने वीक में 1 बार यूज़ करना है, अपने बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं। तो इसको यूज़ करके आप रिज़ल्ट जो है वो खुद ब खुद देखेंगे। एक ही बार से आपको आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम्स दूर होती हुई नज़र आएंगी और फौरी तौर पर आपको सिल्की शाइनी हेयर जो है वो मिलते हुए नज़र आएंगे। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और एक बार बात जो है वो मैं बताती जाऊँ, अगर आपको अंडे से कोई मसला है तो आप इसका जो येलो, यानी कि जो योगर्ट होता है, योक होती है वो, यानी कि वो जो येलो पार्ट है उसको आप स्किप कर दें और सिर्फ वाइट पार्ट ऐड करें, कोई स्मेल नहीं आएगी, बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और अगर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा होता है तो आप स्मेल वगैरह को थोड़ा सा अवॉइड कर दिया करें, बहुत अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह आपके हेयर्स की तमाम प्रॉब्लम जो है वो यूज़ करने से दूर हो जाएंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो जल्दी से लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर किया करें। कमेंट्स बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर दिया करें। इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।